हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सैंडविच बनाना बताऊंगी, वो भी दो तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर दो मीडियम साइज आलू ले लिया है। आलू को अच्छे से बॉइल कर लिया और बॉइल करने के बाद इसको मैश कर लें। मैश करने के बाद इसका हम मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ले लें। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/4 टीस्पून सौंफ ऐड कर दें और एक मीडियम साइज प्याज को बारीक काट कर इसमें ऐड कर दें। प्याज जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसको थोड़ा सा रोस्ट हो जाने दें। जब प्याज पक गया है इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार और स्वादानुसार नमक ऐड कर लें आप। इसे मिक्स कर देते हैं और ये जो बॉइल्ड किए हुए आलू हैं इसको मैश करने के बाद इसमें ऐड कर दें। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पक जाने देते हैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। और ये जब आलू पक कर तैयार हो जाते हैं हमारे, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जब ये आलू ठंडा हो जाए तब उसके बाद हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें आप मनपसंद वेजिटेबल्स भी काट कर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 2 ब्रेड ले लिया है। ब्रेड के एक साइड पर चिली सॉस ऐड कर देते हैं और इसे चारों तरफ ब्रेड के ऊपर चिली सॉस को स्प्रेड कर दें। अब सेकंड लेयर में हम टमाटो सॉस लगाएंगे। टमाटो सॉस को अच्छे से लगाने के बाद इसको भी चारों तरफ ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, रियली आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आती है, बहुत पसंद करते हैं बच्चे से लेकर बड़े। अब ये चिली सॉस लगाए हुए ब्रेड के ऊपर आलू जो फ्राई किया है उसको ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में चारों तरफ फैला दें। आलू ऐड करने के बाद इसमें आप चीज़ ऐड कर दें। चीज़ को ऐड करते हैं तो हमारा सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। यदि चीज़ नहीं है तो आप चीज़ को स्किप कर सकते हैं। चारों तरफ चीज़ को फैला लें ब्रेड के ऊपर और ये जो टोमेटो सॉस लगा हुआ ब्रेड है इसके ऊपर उल्टा करके इसमें ऐड कर दें। अब तवे में आप थोड़ा सा बटर ऐड कर दें। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखें। बटर को चारों तरफ फैलाने के बाद इसके ऊपर ये जो ब्रेड है ब्रेड को रख देते हैं और चारों तरफ ऐसे घुमा दें। दूसरे तरफ भी ये 8 से 10 सेकंड में बढ़िया से पक जाता है। ज़्यादा देर तक आप इसको तवे में ना रखें। ये देखिए हमारा डिलीशियस और बहुत ही मनपसंद सैंडविच बनकर तैयार है। ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए सेकंड ट्रिक बताती हूँ कि किस तरीके से आप सैंडविच बना सकते हैं। सेकेंड ट्रिक यह है कि आप ब्रेड की 2 स्लाइस ले लें। 2 ब्रेड ले लिया है, एक ब्रेड के ऊपर आप उसी तरह से टमाटो सॉस फैला दें और दूसरी ब्रेड में आप चिली सॉस फैला दें। यदि आप बच्चे पसंद करते हैं खाना चिली सॉस तो ऐड कर सकते हैं, और यदि बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं चिली सॉस को। यदि तीखा खाना पसंद करते हो तो चिली सॉस को जरूर ऐड करें। फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा बारीक प्याज इसमें ऐड कर दिया है, थोड़े से टमाटर ऐड कर दें बारीक कटे हुए। इस तरीके से ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा कैबेज पत्ता गोभी को बारीक लंबा लंबा काट कर इसमें ऐड कर दें। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे वीडियोस को शेयर करें। और आपके पास यदि चीज़ है तो चीज़ को इसके ऊपर चारों तरफ फैला दें। चीज़ अच्छा रहता है, हेल्दी, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और ऑर्गेनो सीजनिंग होगा आपके पास तो इसको ऐड कर दें, और यदि नहीं है तो थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, चारों तरफ फैला दें। अब ये जो टोमेटो सॉस लगा हुआ ब्रेड है ब्रेड को इसके ऊपर रख देते हैं। बटर ले लें, बटर को चारों तरफ स्प्रेड कर दें। बटर के ऊपर ये ब्रेड रख देते हैं और ऊपर साइड वाले पोर्शन में बटर लगा देते हैं। यह हमारा ब्रेड लगभग 10 से 15 सेकंड में रोस्ट हो जाता है दोनों साइड से। इसको पलट लेते हैं, दूसरे साइड भी इसको
8 से 10 सेकंड के लिए पक जाने देंगे, हल्का सा रोस्ट हो जाए उस साइड। स्पून पिक की हेल्प से हल्का सा प्रेस करते हैं ताकि अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। ये हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब आप इसको बढ़िया चटनी या टमाटो सॉस, चिली सॉस के साथ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे इस तरीके के सारे वीडियोस देख पाएं। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके, बाय बाय।